आर टूडेज टॉपिक अबाउट क्लोथ वी वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे. सो वी वियर क्लोथ टू कवर आर बॉडी. हम क्लोथ क्यों पहनते हैं? टू कवर आर बॉडी, हमारी बॉडी को ढकने के लिए, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लोथ्स हमें बहुत सी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, जैसे हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट. और क्लोथ्स ऑल्सो मेक अस टू लुक स्मार्ट, हमारी हेल्प करता है कि हम स्मार्ट स्मार्ट दिखे. आप जब भी न्यू क्लोथ्स डालते हो तो स्मार्ट स्मार्ट दिखते हो ना, राइट? तो गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है, बारिश से बचाता है, और धूल मिट्टी से भी हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें स्मार्ट दिखाता है. ओके, सो क्लोथ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं और हम उन्हें अलग अलग सीजन्स में वियर करते हैं. सो वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट समर सीजन. इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स. हम कैसे क्लोथ्स डालते हैं समर सीजन में? कॉटन की क्लोथ्स डालते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, जो कॉटन की क्लोथ्स होते हैं वो हमें ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं, ठीक है? तो हम विंटर क्लोथ्स तो डाल नहीं सकते समर में, हमें समर टाइप क्लोथ्स डालने पड़ेंगे जो कॉटन के हो, जो हमारे स्वेट को, पसीने को सोख ले, राइट? सो वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड एयरी, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत हवादार, एयरी होते हैं. सो लेट्स टॉक कि समर में आप कौन कौन से टाइप के क्लोथ्स डाल सकते हो. लाइक वी कैन वियर स्कर्ट्स, हम स्कर्ट्स पहन सकते हैं. वी कैन वियर शॉर्ट्स, हम शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं. वी कैन वियर टी शर्ट्स, हम टी शर्ट्स भी पहन सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो वियर फ्रॉक्स. ओके, सो देयर आर सम क्लोथ दैट वी कैन वियर इन आर समर सीजन. वी कैन ऑल्सो वियर स्लीपर्स, राइट? स्लीपर्स भी पहन सकते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो वियर स्लीवलेस क्लोथ्स, कि जो हमें समर में एकदम ठंडा रखे, कूल रखे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट वुलन क्लोथ्स. सो आर नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन. सो विंटर सीजन में वी वियर वूलन क्लोथ्स. विंटर सीजन में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. वूलन क्लोथ्स की बस वार्म, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, जैसे वी वियर फुल स्लीव शर्ट्स, जो ऊन से बनी होती है. वी कैन ऑल्सो वियर कैप्स, हम विंटर्स में कैप्स भी पहनते हैं. वी ऑल्सो वियर ग्लव्स, हम ग्लव्स भी वियर करते हैं, राइट? एंड वी ऑल्सो यूज टू वियर स्कार्फ, हम स्कार्फ का भी यूज करते हैं या मफलर का भी यूज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी एकदम गर्म रहे. एंड वी ऑल्सो वियर कोट, राइट? हम कोट भी पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी एकदम वार्म रहे. सो विंटर क्लोथ, इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें एकदम गर्म रखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रेनी सीजन. इन रेनी सीजन वी वियर रेन कोट्स एंड गम्बूट्स एंड वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला, ठीक है? तो हम क्या क्या पहनते हैं? वी वियर रेन कोट्स, हम रेन कोट्स पहनते हैं, गम्बूट्स पहनते हैं, एंड वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला टू कवर आवर सेल्फ, कि हम रेन में भीगे ना. जो रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल्स. ये दोनों आपके वाटर प्रूफ मटीरियल से बने होते हैं, ताकि बारिश आने पर जो पानी है वो आपके अंदर कपड़ों पे ना जाए. दैट्स वाई वी वियर रेन कोट एंड अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म्स. यूनिफॉर्म, सम पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स टू वर्क. जैसे कुछ लोग जो काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डालते हैं, उन क्लोथ्स को हम यूनिफॉर्म कहते हैं. जैसे पुलिसमैन, पुलिसमैन की आपने यूनिफॉर्म देखी है, ही ऑलवेज वियर यूनिफॉर्म, और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म्स डालते हैं ताकि हमें पता चले हाँ ये पुलिसमैन है. लाइक नर्स, नर्स ऑल्सो वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, ताकि पता चले हमें कि या शी इज अ नर्स. सोल्जर्स, लाइक आपने सोल्जर्स को भी देखा होगा, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये इनकी यूनिफॉर्म है, हम उन्हें इजीली पहचान सकते हैं. फायर फाइटर, जो आग से बचने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, उनकी भी यूनिफॉर्म होती है. पोस्टमैन,
पोस्टमैन जो आपके घर पे लेटर्स ड्रॉप करके जाता है उनकी भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, और हम जब स्कूल जाते हैं तो आप सबकी भी यूनिफॉर्म होती है। सो वी वियर स्पेशल क्लोथ्स टू वर्क, जब हम किसी काम के लिए जा रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल कपड़े हम डालते हैं, तो डेट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। लाइक आप स्कूल जा रहे हो, आपके फादर ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मम्मा ऑफिस जा रही है, तो उनके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पर्टिकुलर दी होते हैं कि आपको यही डाल के आना है जब आप ऑफिस आओ, या जैसे आपको यूनिफॉर्म दी जाती है कि आप जब स्कूल आ रहे हो यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल क्लोथ्स, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। Now let's talk about costumes. What is costume? People of different regions wear different type of clothes, that it's called costume. जो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। For example, पंजाब, पंजाब में लोग क्या पहनते हैं? कुछ इस टाइप के क्लोथ्स, उनके सिर पे पगड़ी होती है, कुर्ता पजामा या काइंड ऑफ ऐसा कुछ क्लोथ्स पहनते हैं पंजाब में। इन गुजरात दे ऑल्सो विमेन्स वियर साड़ीज एंड मैंस वियर कुर्ताज। इन वेस्ट बंगाल दे वियर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स, एंड इन कश्मीर दे ऑल्सो वियर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स। सो हर जगह के जो अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। उनके अलग अलग, जैसे आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हो तो आप अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स वेयर करते हो। लाइक अगर आपको फ्रूट्स की करनी है तो आप फ्रूट्स पहनते हो, आप कश्मीर में जाते हो, कभी आपने वहां पे फोटोग्राफ्स कराई हो तो वहां पे कश्मीरी ड्रेस आपको गिवन होती है, पंजाब में पंजाबी ड्रेस होती है लाइक सलवार कमीज। तो ये जब जो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स अलग अलग रीजन्स अलग अलग स्टेट्स में डाले जाते हैं डेट इज कॉल्ड कॉस्ट्यूम्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। So see you in the next video. Bye-bye.